से श्यामला मातरम वंदे मातरम शुभ्रे ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी कुलकुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुभाषिनी परवीन जी, सोनिया ठाकुर जी और परवीन जी, सुलेखा जी और रीता जी से निवेदन है कि वो मंच पर आए और बहन अनुराधा चारक जी को चुनरी पहना कर, राधा शर्मा जी और सविता आनंद जी उनसे भी अनुरोध है कि वो मंच पर आए और हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य बहन उपदेश जी को चुनरी पहना कर उनका स्वागत करें। अंजलि अर्पित करते हैं, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें याद करते हैं। इस वर्ष जिन दिव्यात्मों को ईश्वर ने अपने चरणों में स्थान दिया है वह इस प्रकार है। महिला मोर्चा और बहन रीनू खन्ना जी को चुनरी पहनाकर उनका स्वागत करें। कार्यकारिणी बैठक है, ये एक संगठनात्मक बैठक होती है, तो जिस तरह से पहले केंद्र में हमारी महिला मोर्चा की इसी तरह से नेशनल लेवल पे होती है, उसके बाद सभी ज़िलों में इसी तरह से बैठक होती है, इसके बाद सभी ज़िलों में बैठक होगी। इस बैठक का एक ही मकसद है कि हम ये करवाते क्यों हैं, क्योंकि सभी ज़िला अध्यक्षाएँ और प्रदेश के सभी पदाधिकारी इसमें अपेक्षित होते हैं और सभी ज़िला अध्यक्षाओं से यहाँ पर रिपोर्टिंग ली जाती है कि 3 महीनों में उन्होंने अपने अपने ज़िलों में क्या क्या काम किए संगठन के, वो सब बहनें अपनी अपनी ओर से यहाँ पर वृत्त देती हैं। उसके बाद यहाँ पर जो हमारे सीनियर नेतृत्व है उनकी ओर से कुछ ना कुछ आगामी ऐसे प्रोग्राम कार्यक्रम होते हैं जो इन बहनों को हम यहाँ पे देते हैं और फिर 3 महीनों के बाद यहाँ पे फिर इनसे रिपोर्टिंग लेते हैं कि किस तरह से उनको अपने ज़िला में काम करने की कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, कैसे वो काम कर रही है। बस इसीलिए हमारी ये जो है संगठनात्मक बैठक होती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।